रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि केरल के वायनाड के थिरुनेल्ली विष्णु मंदिर पहुंच चुके हैं इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो यहां पर विष्णु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 4 अप्रैल को वो यहां पर आए थे जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। वायनाड वो संसदीय सीट है अमेठी के अलावा जहाँ से राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया है। इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। दक्षिण से पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि गांधी परिवार में वो पहले ऐसे नेता नहीं हैं जो दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं दक्षिण भारत से, इंदिरा गांधी भी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ चुकी हैं। 23 अप्रैल को केरल की इस वायनाड सीट पर वोटिंग होनी है और उससे पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं वायनाड के विष्णु मंदिर में। आपको बता दें कि केरल के चुनिंदा सबसे मशहूर मंदिरों में से एक मंदिर थिरुनेल्ली का विष्णु मंदिर है जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। वायनाड सीट से ही उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर। बिल्कुल, और एकदम पारंपरिक वेशभूषा आप देख सकते हैं अनुराग, यहाँ पर बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में यहाँ पर पहुंचे हैं मत्था टेकते हुए। यहाँ पर भगवान विष्णु के दर पर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। और जिस तरह से हम पहले भी यहाँ पर बता रहे थे कि वो पहले नहीं है गांधी परिवार में कि दक्षिण भारत से वो ये चुनाव लड़ रहे हों, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, वो भी यहाँ इससे पहले दक्षिण भारत आकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। और तब राहुल गांधी ने ये कहा भी था कि दक्षिण भारत को मैं ये संदेश देना चाहता था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और जो फीलिंग मैं यहां पर देख रहा हूं ये वैसी ही फीलिंग है जैसे मुझे अमेठी में मिली है। बिल्कुल, लेकिन वायनाड का जब जिक्र विपक्ष करता है तो वोटों के लिहाज से धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाता है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर। कहा जाता है कि चूंकि यहां पर हिंदू वोटर कम हैं इसीलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को चुना है। लेकिन राहुल गांधी मंदिर में पहुंचे हैं, वायनाड का ये मंदिर है, कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश, विपक्ष के इन आरोपों को जवाब देने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा। हालांकि एक तरफ जहां राहुल गांधी आज केरल के वायनाड में मंदिर में पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात के दौरे पर हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंदिर के दर्शन कर सकती हैं। तो 2014 के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके की तस्वीरें अब नजर आती हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की, उसको सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर देखा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। विपक्ष अपने तरीके से आरोप भी लगा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से पहले अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी अपने ही संसदीय क्षेत्र के इस मंदिर में पहुंचे हैं उसी तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाना साध चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि धर्म के आधार पर राहुल गांधी को उन्होंने निशाना साधा, निशाने पर लिया। और ये भी कहा गया कि राहुल गांधी दरअसल डर गए हैं, उन्हें अपनी जो हार है वो निश्चित दिखाई दे रही है अमेठी में, और यही कारण है कि अब वो यहां दक्षिण भारत में आए हैं और केरल का वायनाड का उन्होंने रुख किया है क्योंकि वो डर गए हैं। स्मृति ईरानी की जिस तरह से वहां पर प्रेजेंस है और जिस तरह से वो लगातार वहां पर देखी जाती हैं, पूरी अपनी पैड बनाए हुए हैं, उससे डर हैं और भाप चुके हैं कि क्या माहौल है, और यही कारण है कि वो यहां डर के भागकर आए हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भगवान विष्णु के दर पर पहुंचे हैं इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नंगे पैर, बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में आप इस वक्त देख सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि केरल की वायनाड संसदीय सीट को चुनने का कांग्रेस के पक्षकार जानकारों का अपना एक अलग तर्क है, उनकी एक अलग दलील है। ऐसा कहा जाता है कि केरल की वायनाड सीट दरअसल में केरल के साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों से भी जुड़ती है, लिहाजा अगर राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ते हैं तो दक्षिण के 3 राज्यों को सीधे सीधे वो कनेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। बड़ी लोकसभा सीटें, 80 से ज्यादा लोकसभा सीट इस पूरे क्षेत्र में जहां कहीं ना कहीं सीधा जुड़ाव राहुल गांधी का हो सकता है, कांग्रेस के पक्षकारों की ये दलील है। जबकि भाजपा का वही आरोप जिसका जिक्र अभी हमारी सहयोगी हिमानी कर रही थी कि अमेठी से डर कर राहुल गांधी ने वायनाड का रुख किया है। लेकिन तस्वीरें वायनाड के मंदिर की हैं, अलग अलग मंदिरों में राहुल गांधी लगातार जाते रहे 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। कहा जाता है कि एके एंटोनी की जो रिपोर्ट आई उसमें सिफारिश थी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ने की, और उसकी झलक लगातार देखने को मिली है, चाहे वो गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो, या फिर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी। राहुल गांधी लगातार अलग अलग मंदिरों में जाते रहे। जानकारों का एक तबका है जो कहता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का असर भी देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गुजरात में लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर रही कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। मध्य प्रदेश में आप सत्ता में आते हैं, कर्नाटक में आप सत्ता में अपनी वापसी को बरकरार रखते हैं।
बिल्कुल, तो राहुल गांधी यहाँ आने का मकसद दरअसल यही है कि तीन राज्यों को एक साथ साधना, ये जो उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, ये दर्शाती है, ये जताती है कि किस तरह से तीन राज्यों को यहाँ पर साधा जाए। ये अलग बात है कि जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का यहाँ पर अनुराग जिक्र कर रहे थे, ये उन पर आरोप लगता रहा और ये कहा गया कि डर भी गए हैं इसलिए इस तरह से कर रहे हैं, धर्म के नाम, धर्म के आधार पर इस तरह से उनको रुख यहाँ पर करना पड़ा है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 23 अप्रैल को, आपको बता दें कि यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले केरल के दौरे पर इस वक्त राहुल गांधी वहां पर हैं और जब वो यहां पर आए थे पहले, तो पहले भी हमने जिस तरह से जिक्र किया कि वो ये बता रहे थे यहां पर कि दक्षिण भारत के लोगों को मैं दरअसल ये संदेश देना चाहता हूं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से ये आरोप भी लगा कि भाई अगर ऐसा ही था तो आपने सुरक्षित सीट क्यों तलाशी, क्यों आप दक्षिण गए, क्यों आप नॉर्थ में नहीं गए, वहां पर भी आप जा सकते थे, लेकिन आपको डर है, वही डर जिसका बार बार हम जिक्र अनुराग। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है क्योंकि 80 लोकसभा सीट हैं, लेकिन 2004 और 2009 कांग्रेस के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस का दिल्ली का रास्ता दक्षिण से होकर भी गुजरा है, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्राथमिकता में दक्षिण भी है और तीन राज्यों को सीधा सीधा वो जोड़ते हैं। अगर वो केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, दक्षिण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, दक्षिण के मुद्दे उत्तर से अलग हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि कैसे उन तमाम मुद्दों से भी जुड़ा जाए। और जब पर्चा दाखिल करने के लिए वायनाड पहुंचे थे राहुल गांधी, वो तस्वीरें भी सबने देखी थी, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के समर्थक पहुंचे थे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी ने रोड शो किया था वायनाड में, जहां उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम भी। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर वायनाड के विष्णु मंदिर पहुंचे हैं, जिसकी काफी मान्यता है। यहाँ से उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, 4 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचे थे अपना पर्चा दाखिल करने के लिए।